मूवी स्टार्ट होते ही एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। उस वक्त वो दोनों चर्च को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अमिटीवेल हाउस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लॉरेन उन डेमन सोल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, तब एक बच्चे की सोल उसे बेसमेंट में लेकर जाती है और बेसमेंट में फर्स्ट टाइम लॉरेन को एक मिरर में वो डेमन नन नजर आती है। पहले तो वो डेमन नन लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है और बाद में उसे एड के मरने का विजन दिखाती है, जिसे देखकर लॉरेन बुरी तरह डर जाती है। फिर स्कूल में चार बहन भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें एक बच्चे जैनेट जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो बच्चे स्कूल से अपने घर आ रहे होते हैं। उनकी मदर पैगी होती है, जो उन चारों बच्चों को अकेले ही पाल रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड किसी मैरिज इशू की वजह से उन्हें छोड़कर चला जाता है। उनकी मदर पर बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके फादर ने पिछले 3 माह से उनका मंथली खर्च भी नहीं भेजा था, जिसकी वजह से पैगी बहुत परेशान होती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उनको बहुत अच्छे तरीके से पाल रही थी। रात को जैनेट एक ओजा बोर्ड से खेल रही होती है और अपनी सिस्टर मार्गरेट को भी इस गेम को ज्वाइन करने का कहती है। वो दोनों उस ओजा बोर्ड के थ्रू वहाँ पर मौजूद किसी सोल से क्वेश्चंस करती है, जिसका उन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। जैनेट ये भी पूछती है कि क्या उसके फादर कभी वापस आएंगे। रात को 1:04 पर जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त जैनेट नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो यहाँ कैसे आई है। मार्गरेट जो कि अपने रूम में सो रही होती है, उस वक्त कोई बहुत जोर जोर से उसके दरवाजे पर नॉक करता है। मार्गरेट जब डोर ओपन करके देखती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर जैनेट आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जैनेट ने ही दरवाजे को नॉक किया था। वो इस बात को सीरियस नहीं लेती और जाकर सो जाती है। इसके बाद यूएस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लॉरेन एक टीवी शो पर एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर एड और लॉरेन को ब्लेम करता है कि वो दोनों दिखावा करते हैं और सब उनका ड्रामा है। ये बातें सुनकर एड वॉरेन को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर शो खत्म हो जाता है। जैनेट और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि एक क्रूक टॉय से खेल रहे होते हैं। उसका भाई साथ साथ बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी तक सही से बोल नहीं सकता। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब जैनेट का भाई बिली उठता है और वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाता है। पानी पीने के दौरान वो किचन से बाहर दो झूलों को देखता है। उनमें से एक झूला बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रहा था कि जैसे उस पर कोई बैठा हुआ। जैनेट अपने रूम में अंधेरे कॉर्नर की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रही होती है, जिससे उसकी सिस्टर मार्गरेट उठ जाती है। जैनेट उस तरफ रुक करके बोल रही होती है कि तुम हमारे घर को छोड़ दो, तुम कौन हो, और बिली को भी छोड़ दो। और देखते ही देखते वो खुद ही एक भारी आवाज में बोलना शुरू कर देती है कि तुम सब मरोगी और बिली भी मरेगा। मार्गरेट जैनेट के पास जाकर उसे दोबारा से सुला दे और खुद भी अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। जैनेट मार्गरेट के बेड के पास आकर तेज से चिल्लाकर बोलती है, बिली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो, जिस पर मार्गरेट जैनेट पर गुस्सा होती है। तभी उसी कॉर्नर से किसी बूढ़े शख्स की आवाज आती है। वो कहता है कि मेरे घर को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मार्गरेट बुरी तरह डर जाती है। वो फौरन लाइट ऑन कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बिली जब पानी पीकर ऊपर जा रहा होता है, तब लिविंग रूम में रखे एक सोफे पर कोई होता है और बिली के पाँव से एक टॉय टकरा जाता है, जिसको वो पाँव मारकर टेंट के अंदर भेज देता है। लेकिन जैसे ही बिली अपने रूम की तरफ आता है, उस टेंट से किसी की आवाज आती है और जब वो अपने बेड पर सोने लगता है, तब वो टॉय खुद ब खुद चलकर उसके रूम के बाहर आ जाता है। वो दोबारा उस टॉय को उठाकर टेंट के अंदर भेज देता है, लेकिन कोई वापस उसको भेज देता है। ये देखकर बिली काफी डर जाता है और भागकर अपनी मदर की तरफ जाता है। वो अपनी मदर को कहता है कि टेंट के अंदर कोई है। उसकी मदर जब टेंट को चेक करती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी फौरन पैगी को किसी की आवाज आती है और जब वो नीचे आकर देखती है, तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि जैनेट सोफे पर बैठी हुई है, जिस पर जैनेट अपनी मदर को कहती है कि शायद नींद में चलते चलते वो यहाँ पर आ गई है। जैनेट की बॉडी बहुत तप रही होती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि कल तुम स्कूल नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जैनेट घर में बिल्कुल अकेली होती है और तब वो टीवी देख रही होती है और अचानक से टीवी के चैनल चेंज होने लग जाते हैं। जैनेट अपनी मर्जी का चैनल लगाकर रिमोट को साइड पर रख देती है, लेकिन फिर से चैनल चेंज होना शुरू हो जाता है और जैनेट रिमोट देखती है, तो वहाँ पर रिमोट भी उसे नजर नहीं आता और जैनेट की मदर की कॉल आती है। अपनी मदर से बात करने के दौरान वो देखती है कि खुद ब खुद रिमोट दूसरे सोफे पर आ चुका है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फौरन रिमोट को उठा लेती है। वो फिर से टीवी देखना शुरू हो जाती है और अब तो चैनल खराब होना शुरू हो जाती है। और जैनेट जब टीवी के सिग्नल को कनेक्ट कर रही होती है, तब वो
टीवी की स्क्रीन में देखती है कि कोई बूढ़ा शख्स हाथ में रिमोट लेकर सोफे पर बैठा हुआ है। जेनेट फौरन मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता और रिमोट फौरन नीचे गिर जाता। जेनेट बुरी तरह घबरा जाती है और तभी वो बूढ़ा आदमी जेनेट के कान में चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़कर चले जाओ। और जेनेट बहुत बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और जब लॉरेन उस पेंटिंग को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये डीमन नन। एड लॉरेन को बताते हैं कि कल रात उन्होंने बहुत अजीब किस्म का ख्वाब देखा और तब से ये डीमन नन उनके जहन में सवार है और यही वजह है कि उन्होंने डीमन नन की पेंटिंग बनाई। ये सुनकर लॉरेन काफी वरिड हो जाती है और वो कहती है कि कुछ अरसा तक हम लोग पैरानॉर्मल केसेस को हैंडल नहीं करेंगे। रात को जब जेनेट सोने लगती है तो वो खुद को बेड से बांध ले ताकि वो नींद से चलकर कहीं पर चली ना जाए। आधी रात को जेनेट को कोई उठाकर उसके बेड से नीचे गिरा दे। जेनेट फौरन उठ जाती है और तभी उसके डोर पर नॉक होता है। जेनेट बाहर जाकर देखती है और वो नीचे उस सोफे पर देखती है और वो सोफा अपने आप हिल रहा होता है। डरी सहमी जेनेट अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है और सोने की बहुत कोशिश करती है और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। जेनेट डर जाती है और तभी वो किसी के कदमों की आहट को सुनती है कि कोई चलकर उसके पास आ रहा है और उसके पास आकर कोई उसके शोल्डर पर काट लेता है, जिसकी वजह से जेनेट बहुत शाउट करती है और मार्गरेट भी उठ जाती है। लेकिन तभी उनके बेड जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़कियां भागकर अपनी मदर के पास आती हैं। पैगी जब रूम को चेक करने आती है तब उसे वही ओजा बोर्ड मिल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों को काफी डांटती है और तभी उनकी नजरों के सामने एक ड्रेसिंग टेबल मूव होता हुआ दरवाजे को बंद कर देता है। और अब तो सभी लोग डर जाते और घर से भागकर नेबर के घर में आ जाते। पैगी वो सब कुछ जो उनके साथ हुआ था अपने नेबर्स को बताती है और वो फौरन पुलिस को बुला लेते। पुलिस जब घर की चेकिंग कर रही होती है तब उन्हें दीवारों में से किसी का शोर आता है और तभी एक चेयर अपने आप मूव होता हुआ नजर आता है। पुलिस पैगी को बताती है ये केस उनके बस का नहीं है। जाते हुए लेडी पुलिस पैगी को मशवरा देती है कि वो चर्च से हेल्प ले। फिर लॉरेन अपनी बेटी के साथ दिखाई जाती है और वहाँ पर फिर उसे एक विजन नजर आता है जिसमें वही डीमन नन लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है। और जब लॉरेन उसे पूछती है कि वो कौन है तो इसी दौरान लॉरेन अपने पेन से अपने बाइबल के पेजेस को फाड़ रही होती है और लॉरेन फिर से उसे पूछती है कि वो क्या चाहती है और वो फिर से एड के मरने का विजन दिखाती है। लॉरेन जब विजन से बाहर आती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी बेटी उसे होश में लाती है। एक टीवी शो वाले पैगी को जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू के लिए ऑफर करते थे। इंटरव्यू के दौरान जब एंकर वहाँ पर एक सवाल करता है कि अगर कोई भूत यहाँ पर है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करे, तभी जेनेट की आवाज खुद ब खुद बदल जाती। जेनेट एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोलती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसका नाम बिल है, पहले तो वो ब्लाइंड हुआ और फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से उस कॉर्नर वाले सोफे पर मर गया। और वो ये भी कहता है कि उसे हॉडसन फैमिली की चीखें सुनना बहुत पसंद है। उनके सामने जो चल रहा था सब उसे देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते। इसके बाद वो एंकर उस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर उन्हें स्पॉट करते, जबकि दूसरी तरफ उनकी ही एक पार्टनर कहती है कि जेनेट सिर्फ ड्रामा कर रही है। इंटरव्यू में कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है जो इस घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताते। रात के वक्त पैगी और उसके चारों बच्चे अपने नेबर्स के घर में सो रहे होते और उसी रात को जेनेट पर क्रूक्ड मैन बुरी तरह हावी हो जाता और वो जिनके घर में रह रहे होते हैं उनके बच्चों को मारने की कोशिश करता और उस वक्त जेनेट बुरी तरह उस क्रूक्ड मैन के कब्जे में होती और जेनेट बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती। और यहाँ पर ये राज भी खुलता है कि वहाँ पर उस बूढ़े आदमी की सोल के अलावा क्रूक्ड मैन की भी सोल। फादर एड और लॉरेन वॉरेन को वो टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज रिकॉर्ड हुई होती और जब वो दोनों ये आवाज सुनते हैं तब उन्हें भी यही लगता है कि ये एक बूढ़े शख्स की आवाज। इस पर फादर उन्हें बताते हैं कि ये आवाज सिर्फ 11 साल की बच्ची की आवाज। जिस पर वो फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इंग्लैंड जाएं और इस फैमिली के इश्यू को टैकल करें। लॉरेन जो कि अभी इन केसेस को हैंडल करना नहीं चाहती थी और वो एड को भी मना कर दी। लॉरेन एड को बताती है कि जो पेंटिंग उसने बनाई है वो शैतान असली में है और उसने उसे हकीकत में देखा भी है। और साथ में वो एड को ये भी बता देती है कि उसने उस डीमन नन को कहां कहां देखा था और उसी ने एड की मौत की विजन भी दिखाई। जिस पर एड लॉरेन को समझाते हैं कि किसी फैमिली को उनकी हेल्प की जरूरत है और इसीलिए उन लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए और फाइनली लॉरेन इस बात पर एग्री हो जाती है। फिर एड और लॉरेन वॉरेन इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और जब वो उन लोगों के घर पर जाते हैं तब पैगी उन्हें जेनेट का रूम दिखा। उस रूम में बहुत सारे क्रॉस दीवारों पर लगे हुए थे। पैगी एड को बताती है कि ये सब उन्होंने इसलिए लगाए हैं ताकि शैतान की ताकत को थोड़ा सा कम किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी आवाजें आती रही और पैगी दोबारा से उस रूम को लॉक कर दी। पैगी उन लोगों को वो सोफा भी दिखा देती है जिसका कई मरतबा हम जिक्र कर चुके हैं।
जेनेट रोते हुए लॉरेन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं सकी और कहती है कि पहले मैं स्कूल में सो जाती थी लेकिन अब तो वो स्कूल भी नहीं जा रही है। लॉरेन जेनेट से उसकी अंदर से आने वाली उस बूढ़े शख्स की आवाज के बारे में पूछती है। एड और लॉरेन चर्च को प्रूफ देने के लिए जेनेट को उस सोफे पर बिठा देते और भूतों से राब्ता करने की कोशिश करते। जेनेट उन सबको बताती है कि शैतान तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि वो सब लोग उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहेंगे। इस पर सब लोग अपना फेस टर्न कर लेते और फिर एड उस सॉल से क्वेश्चन करता है जिसका वो आंसर भी करता है। वो सॉल कहती है कि वो अपनी फैमिली से यहाँ पर मिलने आई है। इस पर एड उसे वो क्रॉस दिखाते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है और शाउट करने लग जाती है कि मुझे जाने दो, मुझे बचा लो। और देखते ही देखते जेनेट नॉर्मल हालत में आ जाती और अपने मुंह से पानी को फेंक देती। लॉरेन कहती है कि अभी तक उसे किसी भी सुपरनेचुरल चीज का एहसास नहीं हुआ। रात को जेनेट जब नींद से जागती है तब वो देखती है कि वो नीचे वाले रूम की सीलिंग के साथ उल्टी लटकी हुई और वो कॉर्नर वाले सोफे पर उस बूढ़े शख्स का भूत बैठा होता और वो भूत जेनेट को ऊपर की तरफ खींचता है और वो अपने रूम में आ जाता और रूम में लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे हो जाते और तभी उस बूढ़े शख्स की सॉल जेनेट पर अटैक करती है और उसे काफी डरा देती। जेनेट की चीख से पैगी भी उठ जाती और वो आसानी से उस रूम में उस गोस्ट को देख सकती और इतनी ही देर में एड और लॉरेन मोरन भी वहां पर पहुंच जाते। एड उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और वो दोनों उसकी जान को बचा लेते। उस बूढ़े शख्स की सॉल ने उन्हें नहीं देखा होता लेकिन लॉरेन देखती है कि एक क्रॉस वहां पर हिल रहा। एड और लॉरेन मोरन उस फैमिली की बातों पर यकीन कर लेते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने उस गोस्ट को नहीं देखा होता जिसके लिए वो पूरे घर में कैमरास और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते ताकि वो सारी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज को उनमें रिकॉर्ड कर सके। एड पैगी की हेल्प करने उनकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और एड वाटर पाइप को ठीक करने लग जाते और तभी पैगी किसी का साया देखती है जो एड की तरफ बढ़ रहा है और वो एड को इस बारे में बताती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी उस बूढ़े आदमी का घोस्ट पैगी पर अटैक करता और उसके हाथ पर बाइट करता। दूसरी तरफ जेनेट देखती है कि किचन में भी एक घोस्ट है और उसका मुकाबला करने के लिए बिली उसके पास जा रहा है जिस पर जेनेट उसे काफी मना करती है और तब जेनेट भी वहां पर पहुंच जाती है लेकिन जेनेट पर वो भूत बुरी तरह सवार हुआ होता है। फिर उन सब बच्चों की चीखें सुनकर वो सब भी वहां पर पहुंच जाते और अचानक से कोई घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देता और किचन का डोर अपने आप बंद हो जाता। एड किचन का दरवाजा तोड़कर जेनेट को ढूंढते हैं। वो जेनेट को ढूंढते हैं। जेनेट उन्हें कबर्ड में मिलती है जिस पर शैतान बहुत बुरी तरह हावी हो चुका। फिर वही होस्ट जिसने इस सब को जेनेट का एक ड्रामा बताया था वो सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट ही उन चीजों को इधर उधर फेंक रही और ये सब लोगों के सामने ये इस बात का प्रूव होता है कि जेनेट एक ड्रामा ही कर रही। वो लेडी पैगी पर भी झूठा ड्रामा करने का इल्जाम लगाती है जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है। वो भड़क जाती है और सबको कहती है कि वहाँ से चले जाए और एड और लॉरेन वॉरेन भी वहाँ से चले जाते। इन सब में सिर्फ उनके नेबर्स ही हैं जो पैगी पर यकीन रखते हैं। जेनेट के ब्रदर एंड सिस्टर जब उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया तब वो कहती है कि उस डीमन सॉल ने उसे ऐसा करने को कहा और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो डीमन सॉल उसके भाई जॉनी को मार दे। एड और लॉरेन वॉरेन को भी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा लेकिन वो ये सोच रहे थे कि अगर जेनेट ने ड्रामा ही करना था तो उसने उस रूम में क्यों किया जहाँ पर कैमरास लगे हुए। एड को वो डेटा जो उसने वहाँ पर कैप्चर किया था वो रिकलेक्ट होता और जब जेनेट पर वो बुरा शख्स हैवी हुआ था वो उस वक्त की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। तब उसे दो अलग से रिकॉर्ड की हुई आवाज से एक मैसेज मिलता है और जब वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को एक साथ प्ले करता है तब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता और वो मैसेज था कि वो मुझे जाने नहीं दे। और तभी लॉरेन को एक विजन आता है। लॉरेन को उस विजन में नजर आता है कि उस बूढ़े शख्स का घोस्ट उस सोफे पर बैठा हुआ। वो बूढ़ा शख्स लॉरेन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ पर आया था और अब वो यहाँ से जा रहा है और कहता है कि वो मुझे अब जाने नहीं दे और वही शैतान जेनेट पर भी हावी है और वो जेनेट को कभी भी छोड़ेगी नहीं। और वो लॉरेन को उस शैतान को कब्जे में लाने का हिंट भी देता है और तब लॉरेन को बूढ़े आदमी की सोल के पीछे वो डीमन नन नजर आती है और तभी लॉरेन अपने विजन से बाहर आती है। उस वक्त उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है और तब वो दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो वापस पैगी के घर पर आ जाते और बूढ़े आदमी की सोल और वो क्रूक मैन सिर्फ एक मोरा ताकि वो असली शैतान यानी उस डीमन नन तक ना पहुंच जाए। और घर में वो शैतान जेनेट को पोजेस कर लेता है और उस पर बुरी तरह हावी हो जाता है और जेनेट मार्गरेट को अपनी पावर से हवा में उछालकर जमीन पर फेंक दे और पैगी अपने बच्चों को बाहर ले आती है। और जब वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है तब डोर खुद ब खुद बंद हो जाता और तभी वहाँ पर एड और लॉरेन वॉरेन भी पहुंच जाते। एड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा काफी मजबूती से बंद होता है। तब एड घर की विंडो से अंदर जाने की कोशिश करते लेकिन उस रूम में एक सोफा उड़कर उस खिड़की के पास आ जाता है और उसे भी ब्लॉक कर देता। लेकिन एड ने जेनेट को बचाना था और वो पीछे के रास्ते से बेसमेंट में जाते और जब लॉरेन एड के पीछे बेसमेंट में
जाने लगती है तो वो डोर भी लॉक हो जाता है। लॉरेन एड को कहती है कि वो रुक जाए, वो शैतान काफी पावरफुल है और एड से उस शैतान का सामना अकेले नहीं हो, लेकिन एड उसकी बात सुने बगैर अंदर चले जाते। लॉरेन इस बात से काफी अपसेट हो जाती है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा, और दूसरी तरफ एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर उस रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक वाटर पाइप खुल जाता है जो सीधा एड की आंखों में आकर लगता है, जिससे उनकी आंखों में जख्म हो जाता है और उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आता है। और तभी एक सॉन्ग की आवाज उसे आती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है, और जब एड आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक दीवार पर किसी शैतान का हाथ है, और इसी दौरान वो ग्रुप मैन एड के पीछे पीछे होता है और एड टीवी वाले रूम में पहुंच जाते हैं, और वहीं पर एड को ऊपर वाले फ्लोर से जैनेट की आवाज आती है और तभी उन्हें शैतान की आवाज भी आती है। तभी एड अपने गले से क्रॉस को निकाल कर उस शैतान को वास्ता देते हैं कि वो वहाँ से चला जाए, और वहीं पर लॉरेन शैतान से रेलिवेंट सारी मेमोरी को रिकोलेक्ट कर लेती है, और लॉरेन को फौरन याद आ जाता है कि उस शैतान ने लॉरेन को अपना नाम भी बताया, और शैतान का नाम उसके सामने लेकर उसकी पावर को कमजोर किया जा सकता और उस पर हावी भी हुआ जा सकता। और तब लॉरेन को ये भी याद आ जाता है कि उसने उस डीमन नन का नाम अपनी बाइबल में भी लिखा। तभी आसमान से बाहर वाले दरख्त पर बिजली आकर गिर जाती और वो टूट जाता है, और उस ट्री का शेप बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा लॉरेन को उसके विजन में नजर आता। दूसरी तरफ एड जेनेट को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, और फौरन वहां पर क्रूगमैन आ जाता है जो कि एड पर हमला कर देता है, लेकिन एड अपनी जान बचा लेता है। और तभी एड भी जेनेट के रूम में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो डीमन नन पूरी तरह जेनेट पर हावी हो चुकी है। तभी अचानक से विंडो का ग्लास टूट जाता है और जेनेट वहां से कूदने की कोशिश करती है, और नीचे वही नोकदार ट्री होता है। एड उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जेनेट जंप करने लगती है एड उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर आकर एड भी फंस जाते हैं और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाते। इतनी ही देर में लॉरेन उस रूम में पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर डीमन नन भी जो सब कुछ कर रही है। जैसे ही लॉरेन एड को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, वो डीमन नन अपनी पावर से लॉरेन को दूर फेंक देती। तभी लॉरेन उस डीमन नन को उसके नाम वॉलिक से बुलाकर उसे वापस जहन्नुम में जाने का कहती है, और आहिस्ता उस डीमन शैतान की पावर कम होती जाती है और उस डीमन नन को वापस जहन्नुम में जाना पड़ता है। तभी लॉरेन एड और जेनेट की हेल्प करती है और उन्हें ऊपर की तरफ खींच लेती है, इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। डीमन नन के वहाँ जाने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और लास्ट में हम देखते हैं कि जेनेट भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, और जेनेट और पैगी एड और लॉरेन को उनकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलने आती है। इसके साथ ही यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।